पुरानी रंजिश के कारण सारण छपरा से चमररिहा गन्ना लादने गए युवक की 16 फरवरी 2020 दिन रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे सोहरौना के कुछ लोगों द्वारा गोलबंद होकर लाठी डंडों से मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि विगत कुछ महीने पहले एक विवाद में युवक और उसके परिजनों द्वारा सोहरौना के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उसका कसर निकालने के लिए कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना अंतर्गत ग्राम सोहरौना के कुछ लोगों द्वारा सारण छपरा के युवक पप्पू पुत्र श्यामा चौहान को अकेला देख गोलबंद होकर लाठी डंडों से प्रहार कर मारने पीटने के बाद अधमरा छोड़ फरार हो गए, जिसकी सूचना परिजनों व ग्रामीणों को लगते ही घायल युवक के पास सत्वरित पहुंचे और युवक को साथ लेकर घटना की सूचना देने के लिए खड्डा थाने गए, जहां युवक की हालत गंभीर देख SHO खड्डा द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा गार्ड के माध्यम से भेजा गया। वहीं युवक के परिजन द्वारा थाने में तहरीर देकर उपरोक्त पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला 4-5 महीने पहले मछली पालन करते हैं लोग, जोगिंदर गुड्डू जंत्री और भी कुछ लोग हैं उनके साथ। तो 4-5 महीने पहले विवाद हुआ था तो थाने पर मैटर आया था, तो साल हो गया किस तरह से। उसके बाद से फिर ये लोग आज चार लड़के सिराजुद्दीन डॉक्टर का गन्ना लद रहा था चमरडीहा में, तो वहाँ ये लोग सिराजुद्दीन डॉक्टर थे, ये पप्पू चौहान था और अरविंद जिसकी गाड़ी है ड्राइवर है और एक पन्नेलाल है। ये चारों लोग गन्ना वहाँ लद रहे थे। उसके बाद से आए सब 15-16 ग्रुप बना के पट्ठा लेते लेके, उसके बाद से वहाँ पहुँचे हैं ये लोग तो उसको मारना चालू कर दिया है। तो 2-3 लड़के थे जो भाग गए हैं देख के, उसके बाद से जब तक मारे हैं तब तक पूरी तरह से वह जमीन पर नहीं गिर गया है। अच्छा, हाँ बचे जो 2-3 बच्चे हैं जो साथ में गन्ना लादने गए थे वो बता रहे थे इस तरह पर। अच्छा, वो लोग बताए हैं? हाँ वो लोग बताए। और जब तक मारे हैं तब तक गिरा नहीं है। इसके पूर्व में विवाद कितने समय पहले हुआ था? 4-5 महीना पहले। 4-5 महीने पहले तो मुकदमा पंजीकृत हुई थी उसमें? हाँ, इसमें इनके पिताजी के खिलाफ 7-7 हुआ था। उसमें गांव के लोग बहुत गांव के लोग उसको पकड़ लिए थे, विवाद हुआ था तो उसमें वो सारा बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। मामला सर 4 महीने पहले मछली के लेकर झगड़ा हुआ था, उसमें थाने पर भी मुकदमा लिखा गया उन सबके खिलाफ। ये केस हुआ है तो केस आपसे कई बार हम लोग मिले तो कहे कि ठीक है प्रधान जी, इसको हल कर लिया जाएगा। उसके बाद भी पुलिस केस भी हो गया। आज हम खेत बोवा रहे थे तब तक खबर मिला है कि एक लड़का गया है सामा का और उसको बहुत बुरी तरह से 20-25 लोग मिलकर मारे हैं। तो ये क्या करने गए थे उधर खेत? गन्ना लादने के लिए। अच्छा, इसके पहले जो विवाद हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत हुई थी? जी। अब भी किस तरीके का विवाद था? अब उल्टे इन्हीं लोगों के खिलाफ हो गया था। अच्छा, इन्हीं लोगों के खिलाफ उल्टा हो गया। अच्छा, यह लड़का जो है आपके गांव का है? हमारे गांव का। क्या नाम है इसका? पप्पू चौहान। अच्छा, आपका नाम प्रधान जी? पिंटू मदनवाल। किस ग्राम के प्रधान जी हैं? ग्राम सभा सारण छपरा का नाम सामा चौहान। अच्छा, ये जो लड़के को अभी मारा गया है कौन है आपके? मेरा लड़का है। आपके लड़के हैं? कैसे मारा गया इनको, किस तरीके से? कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ। क्या रंजिश थी? रंजिश कि हम लोग दोनों बाप पुत्र गए निकट करने के लिए घर ताजे में, मैदान होकर पानी छूटते थे, वो समय आकर के सब हमको साथ मिला पकड़ के मारने शुरू कर दिया उठा। हाँ, तो उसके बाद हल्ला किए हम लोग तो 8-9 बजे की बात है दिन में, तो हल्ला कहीं नहीं जाते गांव को लोग मार के मोटरसाइकिल बैठा के लेके जाते उनको अपने गाँव में मारे खातिर। तो हल्ला भैल तो गाँव के लोग मैंने जुटला तो पुले पर, मैंने पुले से 1 किलोमीटर जमीन उत्तर हमारे यहाँ के वही जब मान लग अपनी पगे दोनों जगह बैठा लिया तो लगू ओकरे बाद ये गांव वाला जुटल मैं तो जान बचा हम के आऊ मोटरसाइकिल पर गिर गए आँखी में लग गए चोट, वो चोट लगल देखाब ओकरे बाद ये विवाद लेके मल्ले वाला। आज मारे हैं लोग? हाँ। आज क्या हुआ है? आज कुछ नहीं हुआ है, आज खाली मल्ले वाला। कौन लोग मारे वाला? दिलीप है, जोगिंदर, जंत्री, गुड्डू, बिजली, ऐसे ऐसे थे सब। कहाँ के हैं लोग? ये लोग सोहरौना ग्राम सोहरौना के ग्राम सोहरौना का। आप कहाँ के रहने वाले? हम सारण छपरा। आप सारण छपरा?